ओके, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डांस प्लस के मेंटर धर्मेश सर और सलमान सर के बारे में। इस वीडियो में काफी डिफरेंट सेगमेंट्स होने वाले हैं। तो फर्स्ट सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं क्यों इस बार डांस प्लस 6 में धर्मेश सर एज ए मेंटर नहीं है। सेकेंड सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं उन सारे अचीवमेंट्स के बारे में जो धर्मेश सर ने एज ए मेंटर डांस प्लस में अचीव किया है। थर्ड सेगमेंट में हम करने वाले एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन धर्मेश सर एंड सलमान सर। एंड इन लास्ट सेगमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं उन सारे पॉसिबिलिटीज के बारे में जो सलमान सर एज ए मेंटर डांस प्लस 6 में अचीव कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसा कोई भी वीडियो तुमको पूरे यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। ये वीडियो टोटली बेस्ड है फैक्ट और रिसर्च पे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो डांस प्लस 6 स्टार्ट हो चुका है एंड एज यू ऑल नो डांस प्लस के प्रीवियस सीजन में धर्मेश सर वाज एन मेंटर, बट दिस सीजन डांस प्लस सीजन 6 में धर्मेश सर मेंटर नहीं है और उनकी जगह पे सलमान सर ने डांस प्लस सीजन 6 को ज्वाइन किया है। धर्मेश सर का डांस प्लस सीजन 6 में मेंटर ना होने का जो मेन रीजन है वो ये कि धर्मेश सर वाज ए पार्ट ऑफ डांस दीवाने सीजन 3 एज ए जज और वो सेम टाइम पे दो शो को कैरी ऑन नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिस टाइम पे डांस प्लस 6 स्टार्ट होने वाला था उस टाइम पे डांस दीवाने सीजन 3 के काफ़ी सारे एपिसोड शूट और टेलीकास्ट होना बाकी थे, जिसके वजह से वो शेड्यूल टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा था धर्मेश सर का डांस प्लस की टीम के साथ। क्योंकि डांस प्लस सीजन 6 में धर्मेश सर को एज ए मेंटर वर्क करना होता, उन्हें वहाँ पर ना सिर्फ जजमेंट करना होता बल्कि टीम धर्मेश के जितने भी डांसर हैं उनके परफॉर्मेंस को स्ट्रक्चर करना होता, उन्हें गाइड करना होता, उन्हें प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवाना होता, जिसके लिए उन्हें काफ़ी एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करना होता जो कि पॉसिबल नहीं था सेम टाइम पे दो शो को कर पाना। ऑल्सो डांस दीवाने एंड डांस प्लस आर फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्शन हाउस जिनके बीच में कोई भी कोलैबोरेशन नहीं है। तो जब भी कोई भी प्रोडक्शन हाउस किसी भी आर्टिस्ट को साइन करता है अपने किसी एक शो के लिए तो उस आर्टिस्ट को उस प्रोडक्शन हाउस के कुछ रूल को फॉलो करना होता है किसी और शो में साइन होने के लिए। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से धर्मेश सर इस बार डांस प्लस सीजन 6 में एज ए मेंटर नहीं ज्वाइन हो पाए। अगर हम बात करें धर्मेश सर के अचीवमेंट के बारे में एज ए मेंटर इन डांस प्लस, तो एज ए मेंटर धर्मेश सर ने काफी कुछ अचीव किया है डांस प्लस में। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट इज अचीवमेंट इन डांस प्लस, लेट्स हैव अ लुक टू ऑल मेंटर इन ईच सीजन ऑफ डांस प्लस। तो सीजन 1 में मेंटर्स थे सुमित नागदेव, धर्मेश सर एंड शक्ति मोहन। सीजन 2 में मेंटर थे शक्ति मोहन, धर्मेश सर एंड पुनीत पाठक। सीजन 3 एंड सीजन 4 में जज और मेंटर सेम थे एज सीजन 2। सीजन 5 में मेंटर थे धर्मेश सर, सुरेश मुकुंद, करिश्मा छवन एंड पुनीत पाठक। एंड इन नाउ इन सीजन 6 मेंटर्स आर पुनीत पाठक, शक्ति मोहन एंड सलमान यूसुफ खान। सो हियर आर द टोटल नंबर ऑफ टाइम जितने बार धर्मेश सर डांस प्लस में एज ए मेंटर रह चुके हैं। और अगर हम बात करें विनर्स के डांस प्लस के, तो डांस प्लस के सीजन 1 के विनर थे वी कंपनी जो कि टीम धर्मेश से थे। डांस प्लस के सीजन 2 के विनर थे तनय मल्हारा जो कि आल्सो थे टीम धर्मेश से। सीजन 3 के विनर थे बी राधा शेरपा जो कि थे टीम पुनीत से। एंड सीजन 4 के विनर थे चेतन सालुंके जो कि थे टीम पुनीत से। एंड सीजन 5 के विनर थे पेशबाने जो कि थे टीम धर्मेश से। तो जब हम ये सारा डेटा मिक्स करते हैं तो हमें ये अच्छे से समझ में आता है कि धर्मेश सर और उनकी टीम डांस प्लस में कैसी टीम है जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम विनर प्रोड्यूस किया है डांस प्लस के। और हम ये भी समझ सकते हैं कि शो मेकर और ऑडियंस के भी फेवरेट है धर्मेश सर एज ए मेंटर इन डांस प्लस। तो धर्मेश सर ने काफी कुछ अचीव किया है डांस प्लस में एज ए मेंटर, उन्होंने एक लेगेसी सेट की है खुद को प्रूव करके एज ए मेंटर। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के तरफ जहां पे हम करने वाले एक हेल्दी कॉम्पेरिजन बिटवीन धर्मेश सर एंड सलमान सर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धर्मेश सर के बारे में। धर्मेश सर की डांसिंग जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है। वो DID सीजन 2 के रनर अप रह चुके हैं, उससे पहले वो एक शो क्रेजी कियारे के भी रनर अप रह चुके थे। वो बूगी बूगी के विनर रह चुके हैं। वो DID लिटिल मास्टर में उन्होंने एज ए स्कीपर वर्क किया है। वो बॉलीवुड मूवीज एंड म्यूजिक वीडियो में एज ए एक्टर एज ए कोरियोग्राफर उन्होंने वर्क किया है। ऑल्सो उनके एक डांस अकेडमी भी है डी वायरस डांस अकेडमी, जहां वो डांसर्स को ट्रेन करते हैं डांसिंग में प्रोफेशनली ग्रो होने के लिए। उनकी मेंटरशिप इतनी अच्छी है कि अभी के टाइम में भी उनके पास काफ़ी डांसर ट्रेन होते। एंड बैक देन इन 2009 जब इंडिया में डांसिंग का उतना क्रेज नहीं था, काफ़ी कम लोगों को डांसिंग के बारे में नॉलेज, उस टाइम पे भी धर्मेश सर के गाइडेंस के अंडर उनके काफ़ी डांसर DID सीजन 2 में सेलेक्ट हुए थे। तो धर्मेश सर एज ए मेंटर काफ़ी अच्छे हैं।
ही नोज हाउ टू ट्रेन डांसर। उन्हें अच्छे से पता है एक डांसर को कैसे गाइड करना है, उसके पोटेंशियल को यूज करके एक अच्छा परफॉर्मेंस क्रिएट करना है। अब अगर हम सलमान सर की बात करें तो सलमान सर वाज विनर इन DID सीजन 1। वो नच बलिए झलक दिखला जा के भी पार्ट रह चुके हैं। उन्होंने काफी बॉलीवुड मूवीज और वीडियो में भी वर्क किया है एज ए एक्टर, एज ए कोरियोग्राफर। वो डांस जूनियर के जज रह चुके, वो हाई फीवर में जज थे। ऑल्सो देयर वाज ए दुबई बेस्ड सो कॉल्ड SDC, वहां पे वो सलमान सर सुपर जज थे और उस समय सलमान सर के गाइडेंस के अंडर ट्रॉन ब्रदर्स ने पार्ट लिया था और उनके मेंटरशिप के अंदर वो उस शो के विनर भी बने थे। तो सलमान सर भी एज ए मेंटर काफी अच्छे हैं। तो ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू हम समझ सकते हैं सलमान सर एंड धर्मेश सर बोथ आर इक्वली मैच्योर स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस टू ट्रेन देयर स्टूडेंट्स। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि धर्मेश सर डांस प्लस के लास्ट 5 सीजन में जज रह चुके हैं, बट सलमान सर के लिए फर्स्ट टाइम है। तो उन्हें खुद को प्रूफ करना होगा, खुद की मेंटरशिप को प्रूफ करके अपनी एक लेगेसी सेट करनी होगी। तो इसी के साथ आते हैं हम अपने अगले सेगमेंट में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं उन सारे पॉसिबिलिटीज के बारे में जो सलमान सर अचीव कर सकते हैं डांस प्लस में एज ए मेंटर। तो डांस प्लस 6 में अभी 3 फाइनलिस्ट सेलेक्ट हो चुके हैं, दैट आर प्रतीक सूर्वे, रोमसा सिंह एंड धनंजय जोशी। और इनमें से कोई भी सलमान सर की टीम में से नहीं है। प्रतीक सूर्वे एंड रोमसा सिंह आर फ्रॉम टीम पुनीत एंड धनंजय जोशी इज फ्रॉम टीम शक्ति। तो अभी तक टीम सलमान की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है डांस प्लस 6 में, बट देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ चांसेस कि सलमान सर की टीम से कोई डांसर फाइनलिस्ट बने। इन माई ओपिनियन वो डांसर अजय और सारा या फिर रोहन हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, उनके एवरेज स्कोर भी काफ़ी अच्छे रहे हैं और रेमो शर्मा ने भी उन्हें प्रेज किया है कि वो फाइनलिस्ट बन सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है तुम्हारे ओपिनियन की, तुम्हें क्या लगता है कि इस बार सलमान सर की टीम से कौन फाइनलिस्ट बन सकता है और वो क्यों बन सकता है, उसका रीज़न क्या हो सकता है, या फिर डांस प्लस के बाकी के फाइनलिस्ट कौन बन सकते हैं, तुम ये नीचे कमेंट करके बता सकते हो। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो। अगर तुम एक डांसर हो या फिर डांसिंग रिलेटेड कंटेंट तुम्हें देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर चेक करो, ये चैनल तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे तुम्हें डांसिंग रिलेटेड काफी कॉन्टेंट मिलेगा।